पता नहीं कुछ लोग दूसरों की बात ना सुनकर औरों को तंग ही क्यों करते हैं मैं तो खैर किसी को भी खुद को तंग नहीं करने देती हाँ अलबत्त अगर कोई प्यार से तंग करना चाहे तो भला कैसे रोक सकूंगी आई एम ऑल फॉर पीपल गिविंग लिप सर्विस टू अदर्स लाइक आसमा जहांगीर शी हैज सर्टनली मास्टर द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग विमेन्स मिजरीज लाइक अ मैन

Makhdoom Sahab kabhi phone aa gaya tha, to jana hi pada. Watching the first half of the movie was like flipping through the pages of a local Playboy magazine, only in bad taste. But Makhdoom Sahab seemed to be having a jolly good time, huh? <laughs> and during the second half of the film, I kept thinking to myself that why did Reema have to do this to herself? I mean, the movie would have probably made more sense. हैथाइडेड टू कॉल इट कोई मुझ् कहाँ आई गेस शी वॉज ओनली स्ट्राइविंग टू बी मोर मॉडेस्ट बट मॉडेस्टी इज सर्टनली नॉट परवेज भाई इस पॉलिसी वो तो धड़ल्ले से कहते हैं कोई मुझसे कहाँ और जो भी इनके इस क्लेम को रिफ्यूट करने की ख्वाहिश रखता होगा वो यहाँ कहाँ वो बेचारे तो दुबई सऊदी अरेबिया लंदन और अमेरिका की गलियों में कहीं भटक रहे हैं अपने अंदर मुल्क की मोहब्बत को बेदार करने की कोशिशों में मगन वो कहते हैं ना देश से प्यार पर देश जाकर ही होता है शायद यही वजह है कि परवेज भाई भी आजकल अमेरिका के दौरे पर गए हुए हैं मनमोहन के मन से मन मिलाने ब्लेयर से शेयर करने और बुश से बुश से तो सिर्फ शुश ही हो सकता है ये बुश करते हैं या मुश इसका अंदाजा तो हमें उनकी मुस्कुराहटों से ही लगाना पड़ेगा <laughs> सुना है कि वो शेरन स्टोन से भी मिलना चाहते थे असल में उनको किसी ने खबर दे दी थी दैट शेर स्टोन हैज अ क्रश ऑन हेम वो तो ना मिली पर वो दूसरा वाला शेरॉन मिल गया क्या नाम है उसका अरे वो एंटने वाला हाँ एरियल शेरॉन <laughs> आई एम श्योर लाइक मोस्ट ऑफ आस परवेज भाई लव टू स्टोन हिम एंड टर्न हेम इन टू शेर ऑन स्टोन डिप्लोमेसी के भी कुछ तकाजे होते हैं आय हाय मैं भी किन बातों में पड़ गई मुझे तो कतरीना कैफ की बात करनी चाहिए जिसने सलमान खान के दिल के साथ साथ अमरीका के साहिलों पर भी हलचल मचा दी न्यू ओलियन्स इज़ एन ओल्ड स्टोरी नाउ पुअर अमरीकन्स सारी जिंदगी फिल्में देख देख कर बेचारे यही सोचते रहे कि कोई ना कोई सुपरमैन कोई रैम्बो कोई टर्मिनेटर या कोई बैटमैन आकर उनको बचा लेगा और ये हकीकत कि ये सब सुपर हीरोज़ एक फ़रेब हैं उन पर तब खुली जब पानी उनके घरों में घुस गया इससे पहले कि पानी उनके सरों के ऊपर से गुजर जाता गैस विच देयर रेस्क्यू फाइनली मिकी माउस इन दाइट हाउस अब अमरीकन्स बुश को यही कहकर ट्रिब्यूट पेश करते हैं कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते कम ऑन इट्स बट नेचुरल फॉर जॉर्ज डब्ल्यू बुश टू टेक हिज टाइम टू कम एट दिस एज भला बुढ़ापे में पहले जैसी फुर्ती कहाँ रह जाती है इस मामले में मरहूम कर्नल साहब का जवाब नहीं था मुझे अब भी याद है बरसात की वो रात बारिश थी कि थमती नहीं थी ख्वाहिश थी कि भरती नहीं थी It was like playing cricket. I learnt all about bat, ball and shots. Courtesy of Colonel Sahab. That reminds me. England beat Australia in the Ashes series. And what celebrations followed? Wine, <laughs> dine. <laughs> but, Gora Gore Ko Mare, kya maza? I enjoyed lagan more than the Ashes series. Ever since lagan. एंड मंगल पांडे द राइजिंग गोराज आर इन मोटल आमिर खान लगान देख कर वो ये जाने कि आमिर छक्के मारता है और मंगल पांडे द राइजिंग देख कर वो ये जाने कि आमिर छक्कों के साथ साथ गोरे भी मारता है स्पलेंडर ऑफ प्रिंसली स्टेट मुझे लगता है कि मेरा एक जन्म किसी राजवाड़े में हो चुका है जहाँ मुझे महिलाती साजिशों का शिकार बनाकर पान में सिंदूर बनाकर मार दिया गया था लेकिन शुक्र है आज भी कराची में ऐसे लोग मौजूद हैं जो अपने सीनों में यूपी की तहजीब और उसका प्यार बसाए जिंदा हैं टॉकिंग ऑफ सेलिब्रेशन हमारे यहाँ इस शहर कराची में भी सेलिब्रेशन का ही समा था आफ्टर द लोकल बॉडीज एलेक्शन एंड दे एड टू दसमोपोलिटन फ्लेवर ऑफ कराची इस तबके की क्यादत बड़े मजबूत हाथों में है जो बहुत लंबे बाजुओं के आगे लगे हुए हैं बादल लंदन से कहीं उठते हैं और लांडी में आकर बरस जाते हैं आज मैंने अपने यहाँ इसी तहजीब के एक मुरक्का को दावत दी है तशरीफ ले आइए नवाब मुल्क साहब फारु मैंने आपको इतने अलकाब से नवाज दिया आपको नवाब मुल्क कहकर बुलाया आपने बुरा तो नहीं मनाया नहीं क्योंकि नवाब मुल्क, नवाब मुल्क इतने बड़े जैद स्टालवर्ट हैं हमारी तारीख़ के तो उनके साथ अगर कहीं मंसूब किया जाता है तो ये तो वैसे भी हमारे आ, अकाबरीन हैं तो खतः इसमें कोई बुरा मानने की बात ही नहीं है मुझे तो पुराने वक्त याद आ गए वो गए लोगों के नाम लिए जाते थे तो लगता था कि जैसे पूरी की पूरी गज़ल पढ़ी जा रही है नवाब बेगम खुलदाशियानी जन्नत मकानी मरियम जमानी जहाँ आरा बेगम और अब देखिए कैसे कैसे नाम पढ़ने लगे हैं निर्मा सना एन काफ शीन नाम ना हुए कायदा हो गया कायदे से याद आया कायद कैसे हैं आजकल आपके तबीयत नासाज तो नहीं उनकी कायदे तरीक अलताफ़ हुसैन आजकल कर... तबीयत ठीक है उनकी और खुश भी हैं क्योंकि बहुत मेहनत के बाद बहुत कोशिश के बाद वो स्पिरिट दोबारा वो लोगों में पैदा करने में हम सब कामयाब हुए उनकी पूरी टीम जो 1988 में जब हमारी पार्टी जो थी वो सियासी मंजर नामे पर उभर कर आई थी तो खुश हैं और दिन रात मेहनत करते हैं लोगों के साथ रबते में रहते हैं ये उनकी इनफरादियत है कि वो बाहर रहते हुए भी आ, बाकी और आ, जो कायदीन हैं या और रहनुमा हैं उनके मुक़ाले में आ, वो ज़्यादा वक्त जो है वो लोगों से रबते में रहे ये तो आपने बिल्कुल सही कहा लोगों से रबते में हैं लोग उनको याद भी करते हैं लेकिन उनकी कमी किसी तरह महसूस नहीं करते क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए तो सियासत में इस वक्त भी वो बहुत एक एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं लेकिन कभी मेरा भी तो सोचिए मैं चाहती हूँ कि वो वापस आए कब आएंगे वो वापस या मुझे खुद ही लंदन जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए उसका भी इंतज़ाम किया जा सकता है आपको लंदन भिजवाने का या प्रोग्राम करने का वहाँ पर उनसे मुलाकात का उनके आने में अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं कुछ मरल हैं डीरेल हुआ था एक कॉन्फिडेंस उनकी लाइफ पे अटैम्प्स हुए थे कोऑर्डिनेशन कमेटी ने ये फैसला किया है कि गुजत चंद सालों से ये दोबारा पटरी पर जो है वो इतमाद का सफ़र शुरू हुआ है पटरी पर दोबारा आ गया है जैसे जैसे वक्त गुजरेगा और कुछ और आजमाइशें जो हैं वो पूरी होंगी तो इन शाह एक वक्त आएगा कि जब कायद तहरीक अलताफ़ हुसैन पाकिस्तान में अपने लोगों के दरमियाँ होंगे और आपसे भी मुलाकात करेंगे ज़रूर इनशा मुझे ये बताओ फारूक कि फ़तह का जश्न कब मनाया जाएगा मैं लोकल बॉडी सिलेक्शन की बात कर रही हूँ असल देखिए ना फतह हासिल करना शायद नस्बता आसान होता है लेकिन उस फतह को कायम रखना हमेशा मुश्किल काम होता है तो हमने ये कोशिश की है कि आ, हमेशा जब भी फतह का जश्न मनाया जाता है तो बहुत सारे लोग उसको नज़र लगाने की भी कोशिश करते हैं तो हमने बहुत कंट्रोल किस्म का जो है वो जश्न मनाने का फैसला किया है तीसरा मरल है और मुस्तफा कमाल साहब और नसरीन जलील साहिबा के नाम हक परस पैनल की तरफ से आ गए हैं छः अक्टूबर को इन जब आ, उनका ये इलेक्शन होगा तो वो रस्म पूरी होगी क्योंकि मेजॉरिटी तो बहुत क्लियरली सिंपल मेजॉरिटी से बहुत ज़्यादा थर्टीन हंड्रेड एंड सिक्सटी टू जो काउंसलर्स और नाजिम्स हैं वो मुस्तफ़ी कमाल और नसरी जलील के पैनल में हैं Uh, बाकी तेईस आउट ऑफ ट्वेंटी थ्री हंड्रेड एंड फोटीन तो मैं समझता हूँ कि बाकी इंडिपेंडेंट्स भी टू हंड्रेड के करीब जो हैं वो ऑलरेडी उन्होंने ज्वाइन कर लिया है तो ये मेल फॉर्मेलिटी होगी सिक्स ऑफ अक्टूबर को फिर रमज़ान का भी महीना है लेकिन हमारा ज़्यादा फोकस योगा कि जो आ, आ, प्रोग्राम या प्लान है आ, आ, विजन फॉर लोकल गवर्नमेंट या तसवर बल्दियात पूरी पार्टी की बैकिंग जो हक परस्त आवाम है जो लोग हैं उनको इन्वॉल्व किए बगैर उनकी शिरकत और शमूलीत के बगैर कोई तब्दीली नहीं आती और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है नॉन गवर्नमेंट एक एफर्ट है एक सिविल सोसाइटी का रोल है तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होगी और फिर आ, जो आ, लोकल गवर्नमेंट जो विज़न है उसमें हमने आ, चार एरियाज है जिनको फोकस करना है रमज़ान के महीने में बावजूद लोगों की स्पीड थोड़ी सी स्लो होगी लेकिन रमज़ान के बाद हमें बहुत बड़ा एक ऑन स्लॉट करना है और आ, हालिया बारिशों में जिस तरह आपने देखा कि कचरा जो है वो ठिकाने नहीं लगाया गया उसे नदी नालों और सीवरेज के निज़ाम में डाल दिया गया उसके नतीजे में आ, जब ये बारिशें हुई तो वो सारा सिस्टम चोक हो गया जो कचरा रह गया वो और उसके अंदर गया उन नालों और नदियों की जो है वो उसको भी साफ़ नहीं किया गया बारिशों से पहले फिर जब वो पानी उबल कर सड़कों पर आया तो सड़कों का इम्तहान शुरू हुआ जो कि गैर मैारी थी या इंजीनियरिंग उसमें फॉल्ट्स थे जिसके नतीजे में वो भी उधड़ गईं उससे ट्रैफिक के मसाइल पैदा हुए तो एक मैडनेस है जो नज़र आ रही है एक मैस है टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ वाली जैसे बात कहते हैं बहुत सारे बावरचियों ने इस देख को बिल्कुल तबाह कर दिया है तो वी हैव टू फिक्स कराची वी हैव टू पुट इट पुट आर हाउस इन टू ऑर्डर तो मैं समझता हूँ कि ये प्रायोरिटी है उसमें जशन जो है वो उसकी शायद इतनी अहमियत नहीं लोग खुश हैं अब उस खुशी को हमें जो है वो एक कंस्ट्रकटिव उसमें चैनलाइज करना है और लोगों को फ़ौरी इन्वॉल्व करना है टीमें टीमें बनाकर उनके उनके प्रॉब रिलीफ देने के लिए उनके मसइल हल करनी अच्छा फारूक सच सच बताओ क्या तुम्हारे नाजिम आने से कराची शहर में क्या कराची लखनऊ जैसा बन जाएगा मैं ये कहता हूँ कि कराची को पेरिस बनाने का न्यूयॉर्क बनाने का लंदन बनाने का या लखनऊ बनाने का तो कभी हमने दावा किया नहीं है हमारा जो असल एम है वो ये है कि कराची को कराची बनाया जाए इक्कीसवीं सदी का नए नह, नए मिलीनियम का एक जदीद खुदकार सेल्फ कंटेंट रिस्पांसव ऐसा शहर बनाया जाए जहाँ के लोगों में उसके लिए एक ओनरशिप पैदा की जाए Uh, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ओनरशिप के साथ आती है हम ये समझते हैं कि कराची की जो खोई हुई अजमतें हैं ग्लोरी है वो हमें कराची को लौटानी है ये रूसुलबिलाध है हम ये समझते हैं कि कराची हैज़ टू बिकम दी इंजन ऑफ ग्रोथ कराची हैज़ टू बिकम दी ड्राइविंग इंजन ऑफ आर इकोनॉमी एंड कराची हैज़ टू लीड पाकिस्तान इंटू दिस न्यू ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी ये हमारा गोल है उसके लिए मैं यही कहूँगा कि इतने उजाले हो जाएंगे दुख के इजाले हो जाएंगे दूल्हा बनेगा शहर हमारा हम भी शहबाले हो जाएंगे वाह बेगम नवाजे आदाब खास पर फारूक सवाल ज़रूर डॉक्टरी छोड़ दी सियासत अपना ली क्या ये घाटे का सौदा नहीं था असल में जब कोई मकसद पेश नज़र हो Uh, तो फिर ये ये सौदे में ये नहीं देखा जाता जो दिल का सौदा हो फिर ये नहीं देखा जाता कि वो घाटे का है या फ़ायदे का सौदा है और मैं समझता हूँ कि एक डॉक्टर बनकर भी किसी मरीज़ की नफ्स पर आप हाथ रखते हैं उसकी पेशानी पे हाथ रखते हैं और उसके दुखों का मदावा करते हैं uh, मैंने कोशिश की थी आई ट्राई टू जॉइन प्लास्टिक सर्जरी एंड डू पोस्ट ग्रेजुएशन इन टू दैट लेकिन अल्टीमेटली आई फाउंड माई सेल्फ डूइंग ग्रॉस सर्जरीज ऑफ सोसाइटी ऑफ पॉलिटिकल एलिमेंट्स इन पाकिस्तान वो uh, बीमारियाँ जो पाकिस्तान के जो uh, सियासत में हैं uh, उनको दूर करने के लिए फ्यूडलज़म है उसके बाद इंतहाई मरकजियत या ओवर सेंट्रलाइजेशन है उसके बाद तीसरा मसला जो है वो एक्सट्रीमिज़म है फैनिटिसिजम है जुनूनीत है मजहब के नाम पर है तफरी की जाती है तो ये भी बहुत ये, ये वो बीमारियाँ जो हमारे माशरे में हैं ये वो बीमारियाँ जो हमारी कौम में हैं तो ये भी मैं समझता हूँ कि इसके लिए भी किसी मालिज की ज़रूरत थी और मतहदा ने जितने मालिज जो है वो सियासत को दिए शायद किसी और पार्टी ने no doubt. नहीं दिए आई थिंक ये भी एक ज़रूरत थी कि पा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अलताफ़ हुसैन साहब खुद बी फार्मासिस्ट हैं ही इज़ नो लेस no देन अ डॉक्टर वो हम जब दवाइयाँ इलाज प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो फिर उसको एंडोर्स करते हैं और वो फिर वो दवाइयाँ देते हैं और जो क्रॉनिक एलमेंट है पाकिस्तान का उसमें ये चार बड़ी बीमारियाँ थी एक तो फ्यूडलिज्म है ओवर सेंट्रलाइजेशन है तीसरा ये एक्सट्रीमिज्म और फैनेटिसिज्म और टेररिज्म जो आ गई और चौथा जो हमारी फॉरेन पॉलिसी में जो एक बड़ा फॉल्ट था कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ ही हमारे ताल्लुक़ जो हैं वो बहुत कशीदा रहे मुझे पता है तुम बाद में मुझसे बहुत लड़ोगे <laughs> शिकायत करोगे कि बेगम साहिबा कहाँ आपने अपने घर बुलाकर इतनी संजीदा गुफ्तु शुरू कर दी <laughs> मेरे साथ हाँ <laughs> अच्छा चलो बात का रुख कुछ मोड़ते हैं <laughs> प्यार और इश्क की बात करते हैं ये तो मैंने जान लिया <laughs> कि मोहब्बत करते हो लोगों से अपने कॉज से अपने मिशन से लेकिन मुझे कुछ मोहब्बतों की बताओ उन जवान सालों की मोहब्बतों की शेर लिखते हो तो जहन में कौन होता है शेर में चुराता ज़्यादा हूँ लिखता कम हूँ उसमें यही है कि वो कहते हैं कि कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनू के आसार और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं तो ये भी अपनी एक दुनिया है और आ, इंसान जो है वो इस उससे भी गुजरता है आ, और ये वारदात भी होती है तो इसमें तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान का एक्सपीरियंस जो है वो कमो बेश एक ही जैसा होता है लेकिन जो लोग एक कॉज के साथ कमिटेड होते हैं वो उनका पहला और आखिरी इश्क जो है वो कॉज ही होता है जिक्र शब फ़िराक से वहशत तुम्हें भी है मेरी तरह मोहब्बत किसी से तुम्हें भी है मुझे ये बताओ शेद बहुत बुरा तो नहीं बोला ना मैंने फारूक <laughs> बाद में डांटोगे तो नहीं मुझको नहीं अच्छा नहीं। मुझे ये बताओ तुमने नहीं। सही कहा cause and everything, मैं अभी की बात नहीं कर रही नहीं। मैं पुरानी बात कर रही हूं माजी में लेकर जा रही हूं मोहब्बत हुई सच्ची मोहब्बत कभी किसी से कभी वक्त मिला मोहब्बत का आ, मतलब लगा कि मोहब्बत हुई और आ, आ, लेकिन ये होता है कि आ,

Uh, उसमें थोड़ा सा मेरी uh, मसरूफियत और पॉलिटिक्स को भी दखल था hmm. uh, uh, पहली वाइफ जो थी वो हाउस वाइफ थी अच्छा अच्छा और uh, जो मेरी सेकंड uh, वाइफ है आई केम अक्रॉस हर व्हेन आई वाज जब मैं पब्लिक ऑफिस ही में था hmm. तो छी के एम ऑ पे द प्रोग्राम ऑफ ब्यूटिफिकेशन ऑफ कराची और uh, uh, कश्मीर रोड कॉम्प्लेक्स पर hmm. जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर जी, वो मेंबर थी अच्छा तो वहाँ जो लोगों के मसाइल थे उसके लिए उसने कोशिश की आई फाउंड हर टू बी द राइट पर्सन टू टेक एडवाइस फ्रॉम तो मैंने ऑफ़र uh, की और फिर एक ब्यूटिफिकेशन की हमने कमेटी बनाई थी उसमें मैंने शाहदा को शामिल किया था फिर उसका कंट्रीब्यूशन आता रहा फिर शाहदा ने स्पोर्ट्स की प्रमोशन के लिए इन्वायरमेंट के लिए जो है वो काफ़ी काम किया पब्लिक हेल्थ के इश्यूज़ पर जो है वो काफ़ी काम किया और अभी भी बट बट शी हैज़ नॉट जॉइन माई पार्टी जिसका मुझे जो है वो उससे शिकवा भी है अच्छा मैंने बहुत कोशिश की कि वो पार्टी को ज्वाइन करे अलताफ भाई ने बहुत कोशिश की बहुत ऑफर की मगर वो खुद ही बताएगी कि उसकी क्या वोट तुम्हें देती होगी मुझे यकीन है लेकिन ये कि बहरहाल ये उसका अपना हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारी फैमिली में हमारी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि hmm. मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि यू नो यू एंड आई हैव समथिंग इन कॉमन हम दोनों को ऐसी खवातीन पसंद हैं hmm. जो स्ट्रॉग इंडिविजुअल्स हों जो काम जो दिल में पैशन रखती हो कुछ कर दिखाने का hmm. और आज मैंने अपने हाँ ऐसी ही एक बहुत बाहत लड़की को दावत दे रखी है hmm. uh, नाम तुमने ज़रूर सुना होगा उसका उसको देखा भी होगा hmm. और अभी देख लोगे she'll come and join us. come in, darling maria. maria vasti, come in. You. <laughs> <Get him. laughs> have a seat, darling. maria, Miricha. looking gorgeous, darling, and welcome to my drawing room. ya, you. you can have as many outbursts as you want. let out the anger, darling. okay. let it out. how? कम ऑन जान मैं राव साहब की बात नहीं कर रही वैसे टॉकिंग ऑफ राव साहब कैसे हैं वो तो आपसे बात करना चाहते हैं कैसे है आज हैं आजकल बिल्कुल ठीक है हकीम की दवाई से कुछ अफाका हुआ बिल्कुल हुआ आखिर आपने बताया था हकीम साहब के बारे में आजमूदा नुस्खा था ना <laughs> <laughs> मैं बात करती हूँ ना बावजन करती हूँ हमेशा बहुत रिसर्च होती है पीछे बाय द वे आई लव यू वेरी डार्लिंग कहाँ से मारा है इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम

पॉलिटिक पॉलिटिक्स में इतना इन्वॉल्व होने से पहले तो बहुत देखे जाहिर है कि हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी रही है हमेशा पूरी दुनिया में उसको बहुत सराहा गया है और बड़े क्लास के ड्रामे बनाए हमारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने जो हमारे एक्टर्स हैं एक्ट्रेसेस हैं उनकी परफॉर्मेंस भी पार एक्सेलेंस रही है पूरी दुनिया में जो है वो उसको, उसको किसी भी स्टैंडर्ड से कम आप कंपेयर कर सकते हैं बिल्कुल

और uh, जो ऑफ द स्क्रीन है about, uh, we'll मुझे बताओ कि तुमने इतने सारे ड्रामों में काम किया इतनी सारी एक्टिंग कर ली आई मीन यू हैव डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट एन आर्टिस्ट एंड एक्टर कैन कैन ड्रीम ऑफ इसके बाद क्या इरादा है तुम्हारा पॉलिटिक्स <laughs> <laughs> <laughs>

करनल साहब की सब कुछ छोड़ गए मेरे लिए इसलिए तो, the... तो को याद करती रहती हूं। hmm. लेकिन मुझे बताओ कि यू पॉलिटिक्स 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 व्हाई 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 डार्लिंग नॉट बट बस यही एक uh, शायद रह गई है ट्राई करने वाली नो 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 ऑन अ सीरियस नोट वेल आई वाज जस्ट जोक

हमारे गिर्द इतना कुछ है कि आप किसी एक चीज को फोकस करके सिर्फ उससे नहीं इंस्परेशन उठा सकते द होल वर्ल्ड इज इन फ्रंट ऑफ यूर इतनी खूबसूरत और तो अच्छी चीजें हैं सो यू कैन पिक एंड चूज व बेस्ट आउट ऑफ दिस गार्डन

लोगों दिस सेंसिटिव टूवर्ड्स पीपल्स फीलिंग्स वो लोगों को का दर्द समझते हैं तो अगर मैं तुम दोनों यहाँ बैठे हो एक का ताल्लुक सियासत से है एक का ताल्लुक अब स्क्रिप्ट मत दीजिएगा कि पढ़ के सुनाएं आप नहीं मुझे बताओ मारिया तुमने कहा तुम सियासत में जाना चाहती हो तुम ड्रामे में रहते रहते काम करते हुए एक्टिंग में रहते रहते डोंट यू थिंक यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट मोर टूवर्ड्स यू नो अगर आप देखें

वी शो दैन प्रॉब्लम कैरेक्टर्स जिनके साथ हमारे आज की मिडिलेक्टर्स वी आर शोइंग दिस इज वॉट दॉब आपने सुना hmm. फारूक मारिया की बातें कितनी अच्छी बातें करती है ना लेकिन <laughs> मुझसे कम <का। laughs> अच्छा मुझे बताइए कि ड्रामे देखते आपने कहा आप ड्रामे देखते हैं आपको कौन सी एक्ट्रेस पसंद है पाकिस्तानी ड्रामे ड्रामे के हवाले से मारिया को देखा मारिया का काम देखा मारिया का काम देखा है और माशाल्लाह शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस और वर्सेटाइल uh, भी कहा जा सकता है काफ़ी डिफरेंट कैरेक्टर्स भी किए हैं hmm. uh, बहुत पोटेंशियल है hmm. और uh, मेरे ख्याल में वी ऑल शुड विश हर वेरी गुड कैरियर इन फ्यूचर आल्सो लिपस्टिक लगाने का ढंग तो मुझसे yeah. ही सीखा खैर बताओ आपसे सीखा हाँ बेबी आप सब कुछ तो नहीं बता सकते ना सबको <laughs> मुझे ये बताओ कि तुम सियासत में दिलचस्पी रखती हो कौन सा पसंद है तुम्हें लीडर्स की जब बात होती है हमारे मुल्क में आई एम नॉट एक्चुअली उस तरीके से इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स आई जस्ट विश द बेस्ट फॉर माई कंट्री whatever इज happening.

Really? I'll give this rest to you later। मना जाए। छोड़े उन्हें <laughs> <laughs> तो कब की छोड़ चुकी छोड़ रहे हाँ, तो बताओ योर फेवरेट इंडियन एक्टर व्हाई इज दिस कन्वर्सेशन ऑल अबाउट इंडिया बिकॉज़ व्हाई आई वांट टू नो आई मीन लाइक आई थॉट वी वर हियर टू डिस्कस चलो इंडिया को भूल जाते हैं पाकिस्तान hmm. में आ जाते हैं अगर पाकिस्तान में है तो इट्स एब्सोल्युटली यू एंड आई एम सेइंग इट विद ऑल माय हार्ट्स यू नो नो डार्लिंग आई मेट फिल्म एक्टर जैसे मुझे शान पसंद hmm. है हम्म शान इज वेरी गुड यस फारूक डू यू थिंक कि इंडियन फिल्म को पाकिस्तान में नुमाइश की इजाज़त देनी चाहिए और अगर समझें कि यही डिसीजन आपने करना होता और आपसे कहा जाता कि आप ए फैसला करें कि क्या उनको इजाज़त देनी चाहिए और बी अगर इजाज़त देनी चाहिए हो तो वो कौन सी फिल्म होगी जिसको आप सबसे पहले यहाँ पे पब्लिक एग्जीबिशन के लिए पेश करेंगे देखिए okay. मैं, मैं ये समझता हूँ कि हमें अब जो हमारी मुनाफ़त है hmm. हिपोक्रेसी है उससे हमें बाहर आ जाना चाहिए घर घर के अंदर इंडियन फिल्म देखी जाती है लोग

और उसके बाद बहुत कोई मुझसे पूछे तो मैं तो कहूंगी मीरा की नजर लग गई नहीं, देख नहीं सकी फारूक आपने देखा कितनी सीरियस बातें करती है कितनी इंटेलिजेंट बातें करती है इसकी एक और मजे की बात आपको बताऊं बहुत दिल फेंकती है बहुत जज्बाती बहुत इमोशनल बहुत प्यारी है

पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल स्टेज है वहाँ से बहुत सारी चीजें आई कैन गिव यू कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग मिल सकती है पॉलिटिक्स में शूटिंग की इजाजत भी ले लोगे वादा करो लंदन में कायदे तहरीक की मौजूदगी में कौन अ, जो है होने के मेहमान होंगे हम बिल्कुल मेहमान पक्का पक्का हाय मारिया बेबी लेट्स मेक अ फिल्म ओके लेट्स okay, गो डायरेक्ट तुम करोगी हां

मारिया हर चैनल पे नजर आ रही होती हाँ, है बस <laughs> <laughs> अच्छा marie तुमने इतना सारा काम किया पिछले दिनों हां क्या काम करने का बहुत बहुत मजा आया होगा हाय hey, सच बताऊं तो इट्स वेरी रेयर दैट इस तरह की चीजें आती हैं uh, अच्छी चीजें होती आती ही रेयर हैं तभी क्लासिक्स बनती हैं हुँ. और ओवर द इयर्स आपको हुँ. याद रहती हैं uh, अभी आई एम डूइंग सीरियल वो uh, हमाइयों की प्रोडक्शन है हुँ. और उसमें जो मेरा रोल है दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इसके अलावा कुछ मैंने असॉटेड प्लेस किए हैं जिनमें hmm. uh, जिनमें क्लासिक्स भी थे कुछ hmm. मंटो के मंटो का प्ले hmm. था एक uh, निक्की hmm. और उसके अंदर आई वॉज प्लेइंग दिस वूमन हु मेक्स अ लिविंग आउट ऑफ पता नहीं है लोग जानते नहीं हैं वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू नो के अंदरून शहर लाहौर में एक टाइम पे uh, ये होता था कि

यू फ्राम कराची या मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि मेरे ड्रॉइंग रूम में आज लाहौर और कराची मिल रहे हैं। <laughs> <laughs> Literally. और पता है मैं पिछले दोनों एक अजीब सा ट्रेंड चला हुआ है लोग बैठते हैं और लाहौर और कराची का कंपैरिजन शुरू हो जाता है ड्राइंग रूमों yeah. like के, के अंदर भी बैठ के लाहौर और कराची का कंपैरिजन शुरू हो जाता है फारूक हाउ अनफॉर्चूनेट लेकिन आज तुम दोनों को यहां पाकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मुझे लगता है मेरा पूरा पाकिस्तान मेरे ड्राइंग रूम में आकर बस गया है हम सब पाकिस्तानी हैं हम सब इस मुल्क से बहुत प्यार करते हैं हम चाहे सियासत में हो हम चाहे अदाकार हो हम जो भी हो हम पाकिस्तानी हैं ये मुल्क हमारा है हम इस मुल्क से हैं मुझे यकीन है कि फारूक तुमको मेरे ड्राइंग रूम में आके बहुत खुशी हुई होगी लेकिन तुम्हें यहाँ पाकर मुझे बहुत खुशी हुई एंड स्टे <laughs> और आप सबसे इनशाला अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए बेगम नवाज़ शरीक को इजाज़त दीजिए खुदा हाफिज